हेलो फ्रेंड, गायत्री होम मेकिंग चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी लाल हरी सब्जियों से। देखिए, ये हमने एक कटोरी शिमला मिर्च ले ली है। ये हमने एक शिमला मिर्च ली थी, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर एक टमाटर ले लिया है, इसको भी हमने काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं गैस की तरफ। तो नाश्ते बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, हमने गैस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, पैन को हम गरम होने देंगे। तो पहले हम स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम एक बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे, इसको हम गरम होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम आधा छोटे चम्मच जीरा। तो जीरा भुनने देंगे, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें हमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। तो देखिए, जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम कटी हुई ये शिमला मिर्च डाल लेंगे। तो इनको हम 15 से 20 सेकंड इसी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये पक चुकी है। अब इसमें टमाटर ऐड करना है। टमाटर डाल दिया है, अब इसको भी अच्छे से इसी तरीके से चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऑयल आपको दिख रहा होगा अलग हो चुका है। टमाटर का जितना भी पानी था वो अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी से भी कम देगी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा इसको टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। आधी चम्मच हम इसमें तीखी लाल मिर्च डाल देंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके इनको थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, एक पिंच हल्दी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे हमने दो तीन आलू लिए हुए थे, और ये बॉईल करके हमने छील के इनको मैश कर लिया है अच्छे से। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड, आलू मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट इसी तरीके से पकने देंगे, जिससे कि आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, स्टफिंग हमारी बनके रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, स्टफिंग रेडी है। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, स्टफिंग हमारी रेडी है। इसको फिलहाल रखेंगे हम एक तरफ। तो देखिए फ्रेंड, स्टफिंग हमने एक तरफ रख दी। एक कटोरी यहाँ पे सूजी ले ली है, मतलब वेट में ये 50 ग्राम से ज़्यादा है, 100 ग्राम से कम है, तो ये बड़ी कटोरी है, तो ये इससे आधी है। इसको हम मिक्सी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आधा कटोरी दही ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, जितनी हमारी सूजी है उससे आधी से भी आधी है, और पानी हमें इसमें ऐड करना है जितनी सूजी है उससे आधा। तो देखिए फ्रेंड, इसका एक बैटर बना के लेके आना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसका बैटर बना के ले आते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड, इसका बैटर बन के तैयार है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। तो ये हमने कच्चा जीरा लिया है। अब गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड, इसको बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, गैस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने पैन गरम कर लिया है, हल्का सा ऑयल डाल देंगे। एक बूंद ऑयल डाला है, इसको अच्छे से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दिया है हमने। तो देखिए फ्रेंड, ऑयल हमने लगा दिया है, और जो हमने बैटर बना के रखा है वो हम
आधा चमचा लेंगे और इसमें इस तरीके से फैला देंगे। तो इसकी जो हमें शेप देनी है थोड़ी सी लंबी देनी है। और इसको पतला रखना है थोड़ा, जिससे कि हम इसको राउंड करेंगे तो ये आसानी से राउंड हो जाए। तो देखिए जब ये पक जाएगी तो कलर ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड नीचे से इस तरीके से छूट चुका है। अब यहाँ पे जो स्टफिंग हमने बना के रखी है वो इस तरीके से हमने इसको सेव दी है। और देखिए ऐसे हमें इसको राउंड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड ये इस तरीके से बना के हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से और बना के तैयार कर लें। तो ये लीजिए फ्रेंड, देखिए सारे बन के हमारे तैयार हो गए हैं। और हमने इनको बीच में से इस तरीके से कटिंग कर लिया, या आप इस तरीके से ही गोल गोल रोल जो होते हैं इस तरीके से भी खा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड बहुत टेस्टी और यमी लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ।